बॉस अब क्लासरूम के अंदर छुप जाओ। क्यों? मैं क्यों क्लासरूम के अंदर छुपूं? क्योंकि बॉस हमने सुना है कि सर्कस से एक हाथी भाग गया है और हमें डर है कि सर्कस वाले आपको कहीं उठा ना ले जाए। तो फिर मैंने भी सुना है, छोड़ो बॉस, सर्कस से दो गधे भाग गए, तो तुम दोनों भी चुप जाना। सॉरी। क्या रोहित केवल, तुम दोनों तो बुरा मान गए। वेल सर बॉस, वेल सर। मेहर की राखी तोड़ दे। हाँ बस, अगर मेहर ने बालवीर को बता दिया ना तो राखी तो नहीं टूटेगी पर बालवीर आपको तोड़ देगा। हाँ हाँ, सही कहा तुमने, मैं अभी ये राखी तोड़ देता हूँ। क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर। बेवकूफो, तुमसे नहीं पूछा है, उन दोनों से पूछा है। तुम्हारे हाथ में जो मेरी बहन मेहर की बनाई हुई राखी है ना, वो हमें वापस चाहिए। अच्छा, तुम्हें ये राखी चाहिए? आओ ले लो इसे, आओ चल चल, चल। अब तो हमें हमारी राखी लो, लो राखी। बल्लू, बालवीर को बुला लेंगे। नहीं मानो, ये हमारी लड़ाई है तो हम ही इसे लड़ेंगे, बालवीर की मदद नहीं लेंगे। तू सही कह रहा है बल्लू, चलते पिटने, सॉरी पीटने। मोंटू, आज तेरी खैर नहीं, चल। यहाँ सब वैसे ही हो रहा है जैसे हम सोच रहे थे। क्या चाहिए? पिज्जा, बर्गर। बेवकूफो, तुमसे नहीं पूछा है, उन दोनों से पूछा है। अब तो हमें हमारी राखी चाहिए। एक मिनट, अब भी देता हूँ राखी। Oh!
आप में अब वो दम नहीं रहा। हम दिखाते हैं कि पंच कैसे मारते। चल केवल। मुझे नहीं, अरे बेवकूफो, एक दूसरे को नहीं, गल्लू और मानो को पकड़ो, मुझे इस बार रिजल्ट चाहिए। एक मिनट बॉस, रिजल्ट अगले हफ्ते, तो ये बताओ अभी कैसे लगा दे। अरे केवल, बॉस के कहने का मतलब है पिछले साल का रिजल्ट चाहिए। हाँ नहीं, मुझे बल्लू और मानव चाहिए। बॉस आप एक बार डिसाइड कर लो, आपको बल्लू और मानव चाहिए कि रिजल्ट। छोड़ो, मैं ही उन्हें पकड़ता हूँ, गते कहेंगे। अरे बॉस, लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की, अगर दोनों बुक मिक्स हो गया तो नौकरी तो गई समझे। लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की, लेफ्ट साइड थर्ड ए की, राइट साइड थर्ड बी की। क्या देख के चलता रे? कहाँ है वो दोनों? अरे बस, ये क्या इधर है? तो देख क्या लो, पकड़ो। अब कहाँ जाओगे बचकर? तू ये मुझे कहाँ लेकर फंसा दिया बल्लू? रोहित केवल, पकड़ो उन्हें, जाओ। अरे उतर चल, क्या ज्यादा है। मानो बाहर चल, मानो आज चल। अब कैसे जाओगे बचकर? अब कैसे जाओगे बचकर? मानो पाग। घर का सारा कबाड़ निकल गया। एक चीज बाकी है। क्या? ये मुझे घर का कबाड़ बोल रही है तुम? अरे आपको नहीं, आपके पीछे तेल का डब्बा पड़ा है उसे। ये याद नहीं रहा? नहीं कोई बात, कोई बात। अरे महेश बेटा, स्कूल से अकेले आ गई, मानव और बलू का है? वो मोंटू से राखियां लेने गए। अच्छा, मोंटू के डैडी ने राखी का धंधा भी चालू किया? नहीं पापा। तो वो मोंटू ने मेरी राखियां छीन ली थी, तो मानव और बल्लू उसे ही वापस लेने गए। अरे बल्लू और मानव क्यों गए? पता है ना मोंटू कितना शरारती है। हाँ। पिछली बार स्कूल में एक लड़के को पीट दिया था। हाँ। तेरे पापा को भेज देती। पीटने के लिए? हाँ? नहीं, राखी लेने के लिए। एक बात अच्छी है। हाँ। देखा, हमारे बच्चे कैसे सयाने हो गए हैं। मारपीट करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मानव और बल्लू ने जो किया है वो सही किया है। बहन की रक्षा करना अच्छी बात है। मानव, बल्लू, तुम लोग ठीक हो ना? मोंटू ने कुछ किया था नहीं? हम तो बिल्कुल ठीक है, हालत तो उसकी बिगड़ गई। महर, ये ले तेरी राखियां।
मानव। वाह बल्लू, मानव आई एम प्राउड ऑफ यू। देखा स्मिता, राखी की ताकत को देखा। जो बच्चे कल तक मोंटू से डरते थे, वही बच्चे आज मोंटू से जाके राखी छीन के आए। मानव तूने सचमुच कमाल कर दिया। तो फिर मैं रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन के आंखों में आंसू थोड़ी ना देख सकता हूँ। हाँ मैं राखी कोई धागों की डोर नहीं, बल्कि एक बहन के अपने भाई के ऊपर विश्वास और भरोसे की डोर होती है। मैं कितनी लकी हूँ कि मुझे तुम जैसे भाई मिले। मैं इस राखी के लिए तो 100 राक्षसों से भी लड़ सकता हूँ। ये तो खैर मोंटू था। अरे मोंटू 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 बल्लू, इसलिए कहते हैं ज्यादा उड़ना नहीं चाहिए। हाँ। और हाँ, ये राखी है ना, तू मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए लाए, समझा? अरे तुम दोनों जूते पहनकर ही अंदर आ गए। कोई बात नहीं, जाओ जल्दी से फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। मानो हमने जूते निकाल। हाँ। अरे ये ले, मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे बल्लू, अरे बल्लू भाई, बहुत जोरों की भूख लगी, चल बहुत पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ये तस्वीर तेरे पास कैसे आई? ये थी, पर ये यहाँ कैसे आ गई? कौन है? अरे वो एक सुबह रद्दी वाला आया था। क्यों, तुम लोग स्कूल जा रहे थे तब नहीं था वो रद्दी वाला बाबू भाई? हाँ, वो उसके पास कैमरा था तो रॉकी चाचू ने उसके कैमरे से उसी की तस्वीर खींच ली। अब देखना कितनी अजीब तस्वीर आई है उसकी। उसका कैमरा शायद बिगड़ा हुआ था, लेकिन बल्लू पता नहीं वो हमारे पूरे घर की तस्वीरें खींच रहा था। शायद उसने तुम तीनों की भी तस्वीर खींची है। भाई छोड़ ना यार, चल तू चल, आजा। हाँ। बहुत भूख लगी, चल आजा। इसका मतलब सुबह जो रद्दी वाला था वो तौबा तौबा था, लेकिन वो मेरी तस्वीर क्यों खींचना चाहेगा? कहीं उसे फिर से तो ये संदेह नहीं हो गया कि मैं ही बालवीर हूं। मुझे रानी परी के पास जाना पड़ेगा। तौबा तौबा की तस्वीर सात सच्चों के परिवार के घर में, वो वहां क्यों गया होगा? रानी परी, ये हमारी समझ में भी नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। सबसे पहले तो तौबा तौबा ने नटखट परी का बनाया हुआ यंत्र चुराया और अब रूप बदलकर वो सात सच्चों के परिवार में चला गया। ऐसा उसने क्यों किया होगा? अगर वो रूप बदलकर गया होगा तो फिर इस चित्र में वो अपने तौबा तौबा वाले रूप में कैसे आया? क्योंकि तौबा तौबा की ये तस्वीर मेरे असल शक्ल चित्र खींचो यंत्र से खींची गई। क्या आपको पूरा यकीन है नटखट परी? असल शक्ल चित्र खींचो यंत्र, ये क्या है? ये एक बहुत ही अद्भुत यंत्र है बालवी। सामने वाला चाहे कोई भी रूप क्यों ना धर ले, लेकिन अगर हम इस यंत्र से उसकी तस्वीर खींचेंगे तो उस तस्वीर में उसके असली रूप का ही चित्र आएगा। अच्छा, तो इसलिए तौबा तौबा रद्दी वाला बनकर मेरी तस्वीर लेने आया था? क्या? और गलती से उसके तौबा तौबा की रूप वाली तस्वीर निकल गई। लेकिन तौबा तौबा बल्लू के रूप की तस्वीर क्यों निकालेगा? इस यंत्र से तस्वीर लेने की सिर्फ एक ही वजह हो सकती है कि तौबा तौबा को यह शक हो गया है कि बल्लू ही बालवीर। पर तौबा तौबा को इस बात का संदेह कैसे हो सकता है?
हाँ, बालवीर सात सचों के परिवार में बल्लू के रूप में रह रहा है। ये राज हम परियों के अलावा और कोई नहीं जानता। हाँ, नहीं। क्या मतलब बालवीर? आप क्या कहना चाहते हैं? माँ, रानी परी, परियों, आप सब मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आप सबसे एक बात छुपाई है। यही बल्लू बालवीर है। नहीं, करो ना कुछ पे विश्वास परी भयंकर। भयंकर परी? ये भयंकर परी? अरे देखा है मैंने अपनी आंखों से उस बालवीर को बदलते हुए बल्लू में। तुमने तो इस बल्लू को बिना मूंछ के भी देखा था। तुमने सभी बच्चों को बड़ा कर रही थी। तौबा 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 तौबा। लेकिन बाद में तुम्हारी बात झूठी साबित हो गई थी ना, इसलिए मैं खुद ही अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ बल्लू को बालवीर में बदलते हुए। तभी मैं यकीन करूंगी कि बल्लू ही बालवीर है। परी भयंकर, कीजिए विश्वास मेरा, है बल्लू ही बालवीर। बेवकूफी हूं मैं जो हर बार तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती हूँ। और मुझे लगा कि भयंकर परी का संदेह दूर हो गया है और इसलिए मैंने आप सबको ये बात नहीं बताई। पर अब मुझे पता चल गया है कि तौबा तौबा मेरी तस्वीर इसलिए खींचना चाहता था ताकि वो भयंकर परी को सबूत दे सके कि बल्लू के रूप में मैं ही बालवीर हूँ। आपने बिल्कुल सही सोचा है बालवीर। मुझे माफ कर दीजिए रानी परी, मुझे पता ही नहीं चला ये बात यहाँ तक बढ़ जाएगी। भयंकर परी एक बहुत ही शातिर और चालाक परी है बालवी। वो जब तक एक बात की तह तक नहीं पहुंच जाती तब तक उस बात को छोड़ती नहीं। बालवीर, कहीं तौबा तौबा ने आपकी तस्वीर खींची तो नहीं ना? शायद उसे मेरी तस्वीर मिल गई। अगर ये बात सच है तो तौबा तौबा अब तक वो तस्वीर भयंकर परी को दिखा चुका होगा। इसका मतलब है भयंकर परी जान चुकी है कि बल्लू ही बालवीर है। रानी परी, इससे तो बालवीर बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। सिर्फ बालवीर ही नहीं बल्कि सात सचों का परिवार भी खतरे में पड़ जाएगा। हमें तो ये सोचकर डर लग रहा है रानी परी कि हम सब यहाँ सिर्फ बातें कर रहे हैं और भयंकर परी ने सात सचों के परिवार को हानि पहुंचाने की कोई युक्ति भी सोच ली होगी। रानी परी, आप शांत क्यों हैं? कुछ बोलिए, हमें जल्द से जल्द समस्या का समाधान निकालना पड़ेगा। हाँ, वरना सात सचों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। आपको कुछ करना होगा। हाँ रानी परी, वरना अनर्थ हो जाएगा। बोलिए ना। कुछ करिए रानी परी, कुछ करिए। विराम। इस समस्या का सिर्फ एक ही उपाय और वो ये है कि हमें बल्लू के अस्तित्व को पृथ्वी लोक से हमेशा हमेशा के लिए मिटाना होगा। लेकिन रानी परी, ये कैसे हो सकता है? होगा बालवीर, लेकिन उसके लिए तुम्हें सात सच्चों के परिवार के साथ अपने हर रिश्ते नाते को तोड़ना होगा। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए उस परिवार से दूर होना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते रानी परी, क्योंकि बल्लू की डोर वहां और कई सारे रिश्तों से जुड़ी है। उन सब रिश्तों का क्या होगा रानी परी? हाँ रानी परी, मैं उन्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। मेरे अपने हैं वो सब, बड़ों की सुख दुख से लेकर मानो मेहर और रॉकी चाचू की शरारतों का हिस्सा हूं मैं रानी परी। और विराम बालवीर, नटखट परी, जिन रिश्तों के टूटने की आप दोनों को चिंता है वही रिश्ते सुरक्षित रहे, हमें उसकी ज्यादा चिंता है।
और ये सिर्फ तभी हो पाएगा जब बालवीर सात सच्चों के परिवार के साथ अपने हर रिश्ते नाते को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दे। बालवीर, इसके बाद तुम सात सच्चों के परिवार के पास बल्लू बनकर दोबारा कभी नहीं जाओगे। अगर आपकी यही आज्ञा है तो मैं इसका पालन करूंगा रानी परी। ना चाहते हुए भी मैं दादा, दादी, माँ, पापा, मानव, मैं, रॉकी चाचू सबसे रिश्ता तोड़ लूंगा, सबसे। बालवीर, हम भी खुश नहीं हैं इस फैसले से, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए ये रिश्ते बहुत कीमती, लेकिन कभी कभी अपनों की खुशी और उनकी सुरक्षा के लिए हमें इस तरह के कठोर फैसले लेने पड़ते। डूबा डूबा एक जी रानी परे, आप कल ही सात सच्चों के परिवार के पास बल्लू के चाचा बनकर जाएंगे और उनसे कहेंगे कि आप बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं। लेकिन जो आपकी आज्ञा रानी परे। मैंने तुम लोगों की फेवरेट सेव टमाटर की सब्जी बनाई है। बच्चों एक पराठा एक्स्ट्रा खाऊंगा आज। और मैं दो खाऊंगा। ए, 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 रुको रुको, हम सबको बल्लू के लिए गेट करना चाहिए। गेट? ठीक है माँ, मैं अभी गेट खोल के आता हूँ। रॉकी, गेट से माँ का अर्थ है वेट करना चाहिए। वेट वेट, मोटे भाई मेरा वेट है 70 किलो, और खाना खाने के बाद हो जाएगा 70 kg प्लस 100 grams। हाँ। रॉकी भैया, वेट मतलब आपका असल वजन नहीं, माँ के कहने का मतलब है वेट मतलब बल्लू का इंतजार कर लेते हैं। हाँ वो ही, सेम टू सेम। बस बस अब हंसो मत और इंतजार करो बल्लू का, बाद में ही खाना खाएंगे। हाँ माँ सही कह रही है, हम लोगों को बल्लू का इंतजार करना चाहिए, और वैसे भी ये सब्जी मैंने खास बल्लू के लिए बनाई है। अच्छा मतलब अगर वो नहीं आएगा तो हम भी भूखे रहेंगे। मेहर बेटा कहाँ जाएगा, अपने घर ही आएगा ना, थोड़ा रुक जाते हैं। और हाँ पापा, ये बल्लू के बिना कुछ मजा भी नहीं आता। वैसे महर, तुझे अगर बहुत भूख लगी है तो तू अकेली खाना खा सकती है। आओ। हाँ। नहीं नहीं, इतनी भी भूख नहीं लगी है कि उसके बिना खा लूं। और वैसे भी आज बल्लू और मानव जिस तरह से महर के लिए राखी वापस लेकर आए हैं, कमाल कर दिया। और ये आइडिया भी मुझे बल्लू ने दिया था। थैंक यू पापा। अरे मुझे क्यों थैंक यू बोल रही है? क्योंकि पापा बल्लू को आप ही इस घर में लाए थे ना, और सच कहूं पापा, जब बल्लू इस घर में आया था ना तो मानव और मैं उससे बहुत चिढ़ते थे। मुझे लगता था आप उससे ज्यादा प्यार करोगे और वो धीरे धीरे हमारे सारे चीजों पर कब्जा कर लेगा। हाँ लेकिन अब देखो बल्लू को, कैसे बल्लू लल्लू से हमारा प्यारा भाई बन गया है। महर,
ये तुम बोल रही हो? हाँ माँ, जितना सामने मैं उससे चिढ़ती हूँ उससे ज्यादा मैं उससे प्यार करती हूँ। थैंक यू पापा कि आपने मुझे बल्लू जैसा भाई दिया और मुझे बल्लू जैसा बेटा। पता ही नहीं चला कब अनजान बल्लू हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया, और ऐसा हिस्सा जो हम अपनी जिंदगी से कभी अलग करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। सही कहा बहू, बल्लू के बिना हमारा परिवार अधूरा है। हम कभी उसे हमसे दूर नहीं होने देंगे। बल्लू हमसे कभी अलग नहीं हो सकता। हाँ, पता है बल्लू तो माना महर की तरह मेरा बेस्टेस्ट फ्रेंड है। मैं उसके साथ अपनी केक, चॉकलेट, गेम सब शेयर करता हूँ। आप सब मुझे इतना प्यार करते हैं, लेकिन मुझे ना चाहकर भी आप सबसे दूर जाना पड़ेगा। मैं बल्लू का चाचा, मैं बालवीर को हमेशा हमेशा के लिए परीलोक ले जाने आया हूँ। कुछ गड़बड़? बालवीर नहीं, बल्लू। बल्लू बल्लू बल्लू, इस बार फिर से करता हूँ, ये आखिरी बार। चल चाचा, मैं बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए परीलोक ले जाने आया हूँ। परीलोक नहीं, दुबई। दुबई। मैं कह रहा हूँ तुमसे नहीं होगा। नहीं, वही तो कह रहा हूँ, नहीं होगा तुमसे। नहीं नहीं, ये होगा, ये आखिरी बार, आखिरी बार। बल्लू का चाचा, मैं बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए दुबई ले जाने आया हूं। बस ऐसे ही तुम्हें कल घर वालों को बोलना। हाँ है ये तो मेरे बस बाएं हाथ का खेल। इससे पहले भी कई बार गया हूं मैं पृथ्वीलोक पर रूप बदल कर, लेकिन इस बार जाऊंगा मैं चाचा बनकर और उड़ा कर लेके आऊंगा तुम्हें उन सात सच्चों के परिवार से चुटकी में। नम, नम, मैं हूं बल्लू का चाचा, आया हूं मैं उसे दुबई ले जाने हमेशा हमेशा के लिए। है ये सही? बालवीर क्या रहे हो सोच? मैं सोच रहा हूं कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे सास सचों का परिवार छोड़कर ना जाना पड़े। नहीं नहीं बालवीर, हो नहीं सकता ये। रानी परी का आदेश मतलब पत्थर की लकीर, और उनके आदेश का पालन करना मतलब है हमारा परम कर्तव्य। तो क्या करूं मैं डुबा डुबा एक? वो मेरा परिवार है, मैं उन्हें इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकता हूँ? वो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, मैं उनसे इतना प्यार करता हूँ, तो फिर कैसे अलग हो जाए हम? अगर करते हो तुम इतना प्यार उनसे तो क्यों डाल रहे हो उनको खतरे में? बालवीर हो तुम एक योद्धा, और निभाने के लिए अपना कर्तव्य एक योद्धा को अपने परिवार को भी भूलना पड़ता है, और फिर रानी परी का आदेश ना मानना है मेरे लिए असंभव। सही कहा तुमने डुबा डुबाई, रानी परी के आदेश को मैं भी नहीं टाल सकता। तो चलो बालवीर। पर... बालवीर है जब कहना ही अलविदा तो कहो हंसते हंसते, क्योंकि अगर होंगे तुम्हारी आंखों में आंसू तो रोएंगी उनकी आंखें भी। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो डुबा डुबाई, मैं उसे रोके नहीं
बल्कि हंस के जुदा होगा। बालवीर, वेरी गुड, अरे आउट कर जल्दी। ला सकती थी आप मुझे नीचे आराम से भी, तो थी क्या जरूरत ऐसे मुझे नीचे जमीन पे पटक देगी। नहीं सुधरेगी ये कभी। जिसकी जगह जहां होती है वो वहीं पहुंचता है तबा तबा। ओ, तो उस हिसाब से तो मिल जाना चाहिए आपको मिट्टी में। क्या मतलब? कीजिए कुछ मानो और मेहर को परेशान करने के लिए, ताकि आए उन्हें बचाने वो बालवीर। ना समझ कमकल। वो रहा हमारा निशाना। अब मैं मानव और मेहर पर वार करूंगी, और अगर बल्लू ही बालवीर है तो उसे मानव और मेहर को बचाने के लिए अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। और इधर बदल जाएगा बल्लू बालवीर में, और वहां खुल जाएगी पोल बालवीर की। जैसी छोटी सोच वैसा छोटा काम। अरे इतने छोटे पत्थर से तो बच्चे खुद ही अपने आप को बचा लेंगे, नहीं आएगा बालवीर उन्हें बचाने। हाँ समझ कम अकल। बेवकूफ, भयंकर परी कभी कोई काम छोटा नहीं करती। उधर देखो, अरे अरे देखो क्या आ रहा है। अगर तुम ही बालवीर हो बल्लू, तो तुम्हें अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। अब आएगा मजा परी भयंकर। ये जरूर भयंकर परी की चाल है। मेरा राज जानने के लिए ये आग का गोला जरूर भयंकर परी ने ही भेजा होगा, और वो भी जरूर भेज गई है।
मैं क्या करूं? मानो मेहर की जान खतरे में है और उन्हें बचाने के लिए मुझे बालवीर बनना ही पड़ेगा। अब तो आना ही पड़ेगा बालवीर को। देखिए देखिए परी भयंकर कैसे डर रहे मानव और मेहर। बेवकूफ, वहां क्या देख रहे हो? बल्लू की तरफ से परी भयंकर जा रहा है बल्लू वहां। चलो तोबा तोबा, देखते हैं। दो मुझे पुरस्कार, बना दो मुझे अपना प्रधान, निकली मेरी बात सही। मिलेगा तौबा तौबा, सब कुछ मिलेगा, मगर उससे पहले मिलेगा बालवीर को मेरा वार, उसकी हार, क्योंकि मैं जान गई हूं तुम्हारा वो राज जो उन परियों ने मुझसे छुपाए रखा। मैं जान गई हूं कि तुम ही बल्लू हो। और इसी कमजोरी का अब मैं फायदा उठाऊंगी। मैं, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ हम ठीक है बालवीर। बालवीर, बल्लू कहाँ है? बल्लू भी ठीक है ना? हाँ मैं, बल्लू एकदम ठीक है, वो दूसरी तरफ भाग गया है। पर अब तुम सब बच्चे अपने घर जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। थैंक यू बालवीर, थैंक यू बालवीर, जाओ। अगर भयंकर परी मेरा साथ जाने के लिए मानो और मेहर को चोट पहुंचा सकती है, तो वो सच जानने के बाद मेरे साथ साथ पूरे सात सच्चों के परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रानी परी ने सही कहा था, मेरा सात सच्चों के परिवार के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों क्या कर रहे हो? सॉरी पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ। चले चले चले, खेलते खेलते। ए बल्लू, बेटा तू क्यों नहीं खेल रहा है? और घड़ी को क्या देख रहा है? अरे उसमें 8 बजे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे स्कूल से आया है तभी से घड़ी के सामने बैठा है।
अब कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये घड़ी कुछ ही पलों में मेरा आप सबसे बिछड़ने का समय दिखाने वाली है। साला मैं तो साहब बन गया, ओए चचचा, साहब बन के कैसा तन गया, चचचा, ओए चचचा, साहब बन के कैसा तन गया, चचचा। हेलो, आप कौन हैं? आप कौन हैं? चचचा, चचचा। मेरे नहीं मोटा भाई के नहीं है तो फिर मेरे भी चाचा नहीं है। माँ मेरे तो ऊपर। अरे मैं बल्लू का चाचा हूँ। ये बल्लू बल्लू ए बल्लू मैं तेरा चाचा पैदल नहीं गया। हाँ गमछे से ए गमछे बैठो बैठो अपने ही घर बैठो। वैसे चाचा जी आप कुछ अलग लग रहे हैं आज। हाँ एकदम मेंटल मैन लग रहे हो। दादी मेंटल मैन नहीं जेंटल मैन, वही सेम टू सेम है ना। वैसे आप कैसे आए? ओ दुबई मुझे बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत बड़ा। हाँ चाय बनाने का। मैं दुबई जा ही रहा हूँ लेकिन मैं अपने साथ बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए दुबई ले जाने आया हूँ। बल्लू तुम ही बालवीर हो, ये जानने के बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे तो कर रही थी क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार, किया क्यों ने उसी समय ही वार? क्योंकि मैं बालवीर पर नहीं बल्लू पर वार करना चाहती। बल्लू के रूप में वो शक्तिहीन होता है और ये वार मैं पूरी तैयारी के साथ करना चाहती हूँ ताकि उसे बचने का कोई मौका ही ना मिले। एक ही वार में उसकी कहानी खत्म। और ऐसा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तोबा तोबा मैं तो नकारा बेवकूफ बेअकल है नहीं आपको मेरी जरूरत। अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ इस भयानक लोग में, जा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तौबा तौबा, पहली बार जिंदगी में तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमेशा हमेशा करता हूँ मैं सही काम, पर है नहीं विश्वास आपको मुझ पे। अब नहीं रहूंगा मैं इस भयानक लोग में, जा रहा हूं मैं। तौबा तौबा बस बस हुआ बहुत। तौबा 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 कहना आज से सिर्फ मुझे श्री श्री तौबा तौबा जी, वरना समझ लीजिए आज से कर ली मैंने आपसे तौबा तौबा, जा रहा हूं मैं। तौबा तौबा श्री श्री तौबा तौबा जी, रुक जाइए श्री श्री तौबा तौबा। भूल गई आप जी लगाना। तौबा तौबा जी भूल गई आप अब श्री लगाना और कहना जरा प्यार से, वरना जा रहा हूं मैं। रुको श्री श्री तौबा तौबा जी। रुक जाता मैं यहाँ पर क्या फायदा यहाँ पर रुककर, जब है ही नहीं कोई मेरी इज्जत यहाँ।
क्या हूं मैं? वो क्यों नहीं रही मुझे परी भयंकर? नहीं आऊंगा कभी अगर नहीं रोका आपने मुझे। अरे सुना कि नहीं आपने? आऊंगा नहीं मैं कभी, जा रहा हूं मैं। जानता ही था मैं, नहीं जाने देगी आप अपने प्रधान को। हाँ हाँ श्री श्री तौबा तौबा जी, अभी तो हमें बहुत सारे काम साथ में करने हैं। बालवीर और बल्लू का खात्मा करना है, बदला लेना है उन परियों और परी लोग से, छीननी है खुशियां सारे सच्चे और अच्छे बच्चों की। हाँ हाँ है ठीक, रुक जाता हूँ मैं। है नहीं जरूरत ऐसे हाथ जोड़ने की और मेरे पैर पे से गिड़गिड़ा के माफी मांगने की। अब अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो तो सुनो मेरी योजना। बालवीर को बल्लू के रूप में खत्म करने की। ना, आप ऐसे कैसे बल्लू को लेके जा सकते हैं? मतलब बल्लू यहाँ खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, बल्लू तो बहुत खुश है ना बल्लू? लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ऊपर से आदेश है रानी। तो इंटरनेशनल होटल का। अच्छा होटल वालों का, ये बच्चे से वहाँ होटल में काम करवाओगे? नहीं नहीं, काम तो मैं ही करूंगा। बल्लू तो मेरी जान है, उसके सिवा मेरा है ही कौन। लेकिन पिछली बार तो आप कह रहे थे कि आपकी पत्नी है गांव में। ऐसा कहा था मैंने बल्लू? ये चाची भी ना, उन्होंने कहा होगा कि मैं उनके साथ दुबे चलूं। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। तो क्या हम तुझे प्यार नहीं करते बल्लू? नहीं नहीं मानो, यहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर क्यों जा रहा है तू? मना कर देना अपने चाचा को। अब तुम रुको, मैं मना करता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। एक मिनट, बोल बेटा। चाचा जी आप प्लीज बल्लू को मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप बल्लू को लेके गए तो हम लोग सिर्फ तीन लोग बचेंगे, और तीन लोगों में टीम कैसे डिवाइड होगी? अरे तू एक ही टीम के बराबर है। देखिए चाचा जी, एक मिनट, इधर इधर इधर, धीरे से धीरे से। बोलो। देखिए चाचा जी, भाई साहब बल्लू अब हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी ये जिम्मेदारी आप ही ने हमें सौंपी थी। हाँ, लेकिन तब जब मैं इसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है दुबई जाने का। वहां मैं इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। लेकिन चाचा जी, हम भी तो बल्लू का अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। बल्लू बेटा तू ही कुछ बोलना। ये बल्लू लल्लू ही कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे तो लगता है बल्लू लल्लू खुद ही यहाँ नहीं रहना चाहता है। नहीं, महर में तो चाचा जी, हम बल्लू को अपने से दूर नहीं होने देंगे। नहीं मतलब आप सब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि बल्लू को यहाँ से भी वहाँ बेहतर पढ़ाई मिलेगी, और न जाने बल्लू वहाँ पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। क्यों, आप नहीं चाहते बल्लू आगे बढ़े? चाचा, क्या सच में वहाँ बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी खेलने की जगह, बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? हाँ बालवीर,
भी होगा वहां। बालवीर तो हर जगह होता है, है ना? तो क्या मैं वहां जा सकता हूँ? पापा, माँ, दादी, बल्लू लल्लू खबरदार, अगर तूने जाने की जिद की तो मैं तुझे पीट दूंगी। अंकल प्लीज, प्लीज इसे मत ले जाइए, मत ले जाइए ना इसे, प्लीज प्लीज। बच्चों बच्चों, बेटा रुको। देखिए भाई साहब, हमने कभी मानव मेहर और बल्लू में भेदभाव नहीं रखा। हम तो चाहते हैं कि तीनों अच्छी जिंदगी जिए, और आज जब बल्लू को जिंदगी मौका दे रही है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? मुझे पता है आप सब नहीं चाहते कि मैं आप सबसे दूर जाऊं। मैं भी नहीं चाहता यहाँ से जाना, पर क्या करूं, मुझे भयंकर परी की वजह से जाना ही पड़ेगा। आप सब मुझे माफ कर देना, आप लोगों का दिल दुखाने के लिए। बताइए भाई साहब, कब जाना है? अभी उड़ेंगे। हाँ? अभी यहाँ से जाएंगे, फिर कल उड़ेंगे, मतलब कल शाम की फ्लाइट है। चाचा जी, अगर फ्लाइट कल शाम की है तो आज बल्लू को हमारे साथ रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता चाचा जी, प्लीज, सिर्फ आज की बात है। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आज इसे रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं बच्चों, बेटा रॉकी, क्या है कि ऐसे दूर जाना होता है ना तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, है ना? तो बल्लू को जाना। बल्लू चलो, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। मैं क्या कह रही थी, तेरे कुछ कपड़े मैं यही रख लेती हूँ। हाँ, हो सकता है तू कभी हमसे मिलने आए तो। मिलने आएगा ना बलू? देख बलू, वहां जाके गायब मत हो जाना, तेरी गायब होने की बहुत आदत है, अब तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहा। बल्लू, बल्लू तू मेरे सारे खिलौने ले ले, ले ले तू। बल्लू तुम मेरे सारे खिलौने ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, तुम ऐसे कहीं मत जाओ। मेरा टिफिन बॉक्स भी, मेरा पेन भी, यहाँ तक कि तुम मेरे बेड पर भी अकेले सो सकते हो। मैं नीचे सो जाऊंगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। रहने दे मानव। जब ये बल्लू लल्लू यहाँ नहीं रहना चाहता तो फिर इसे रोकना क्यों? अरे इसे तो दुबई में बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी गेम्स और हमसे भी अच्छे लोग मिलेंगे ना। देख नहीं रहा था कितनी खुशी थी इसके चेहरे में दुबई जाने के लिए। मेहर, मेहर तुम मुझसे नाराज हो गया? मानव, रॉकी चाचू
अगर अब बल्लू को रोकने की कोशिश की तो पीट दूंगी। बल्लू तुम्हारा बैग खो गया। रानी परी, रानी परी, रानी परी, रानी परी, आप मुझे सुन रही हो ना? बगैर भी अच्छा नहीं लगेगा। रानी परी, उसे जाने से रोक लो। रानी परी प्लीज उसे रोक लो। आप हर बार मेरी विश पूरी करती हो ना, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी ये विश जरूर पूरी करेंगी। करेंगी ना रानी परी? करेंगी ना? करेंगी ना रानी परी? देखिए ना रानी परी, बेचारी मैं बल्लू के जाने से कितनी दुखी हूं। हाँ रानी परी, बल्लू के जाने के बाद बच्चे बहुत रोएंगे। और बच्चों को रोता हुआ हम कैसे देख सकते हैं रानी परी? रानी परी, ये पूरा परिवार उदास हो जाएगा बल्लू के बिना। क्या हम उनकी उदासी दूर नहीं कर सकते रानी परी? मेरी तो खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं रानी परी, ये सब देखकर। रानी परी, ये हम सब परियों की विनती है आपसे, क्या हम पल्लू का उस परिवार को छोड़कर जाना रोक नहीं सकते?